नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान योजना की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके शुरुआत कर दी है। वहीं राज्य स्तर पर भी इसकी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही कई विधायक और किसान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री समेत सभी ने पहले पीएम मोदी के मन की बात को सुना, उसके बाद यूपी के गोरखपुर से चल रहे मोदी के भाषण भी सुने। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ये योजना स्थायी है, इससे किसानों को लगातार लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 6 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, एक तो ये स्थायी है, वन टाइम नहीं या वन ईयर प्रोग्राम नहीं है, ये सतत ऐसी योजना है जो किसानों को लगातार सहयोग करती रहेगी। उत्तराखंड के लगभग 6 लाख से अधिक किसान इस योजना से आच्छादित होंगे। वो लघु और सीमांत किसान है तो 92.8% किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। राज्य के जो 8 लाख से ऊपर जिनकी संख्या, निश्चित रूप से छोटी छोटी जो छोटे छोटे खेत और किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे अच्छी नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से उसको इससे बड़ा फायदा मिलेगा। और उसको जो शुरुआती आवश्यकताएँ उसकी हैं, बीज, मसलन बीज की खरीद से लेकर के खाद वाद की खरीद में, इसमें हर क्रॉप में उसको इसका फायदा मिलने से उसकी जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहाँ साहूकारों के चक्कर लगाने से वो बचेगा। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना थी ये, वो सीधे पैसे खाते में आ गए, तो कोई बिचौलिया नहीं है, कुछ नहीं है, और गरीब आदमी को लाभ मिल गया। कितने आए आपके खाते? 2000 रुपये। इस योजना के बारे में सर्वप्रथम जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और राज्य सरकार का जो है, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका जो मतलब इसमें कलेक्शन करने की जो बात है, उसके लिए मैं राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ।